मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज प्लूरा। आज भी है हमारे तो शर्ट है, ये हाफ शर्ट है और इस पर हमको एक पेंट पर दो मैच करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है और लोअर शर्ट में पहन के जा रहा हूँ। हमारा ग्रूट और बेला पता नहीं अकेले कैसे रहेंगे, तो ग्रूट बेला एक दो दिन की बात है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। बेला दो दिन बाद आऊँगा, तीन दिन बाद आऊँगा, बस ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, तीन दिन रखना, ज़रा किसी को परेशान मत करना, ठीक है? मेरा बच्चा ठीक है मेरे बच्चे, है ना बेला बच्चा? तीन दिन चार दिन ज़्यादा था, ठीक है? ये बोले कि जान ले ले हमारी चार दिन में। मिलते हैं हमारे रॉक बाबा ने हमें छोड़ दिया है, अब हम जा रहे हैं हमारी जर्नी की ओर। देखते सफर बड़ा सुहाना होगा, आप भी जाने मजा आएगा। चले मिलते हैं, चले भाई। हमारा टिकट ले लिया हमने, फिर मेरे दो ही दिए। चलो तो यही क्या नहीं लिए तो भाई हम निकल चुके हैं पुणे के लिए। भाई माहौल कुछ ऐसा है, आखिरकार अपन निकल ही गए। दस भी हमारे साथ है, वार्षिक भी हमारे साथ है। Build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, space, no privacy, and silently it can build a building. Fantasy, whoa, it's taking over, damn, no closure. Hey guys, this is Anurag Tyre, welcome back to my new another vlog. So aaj ke vlog mein hum aaye hain Pune aur aap dekh sakte ho meri aankhon se hum raat bhar so nahi paaye, क्योंकि हमारा प्लान अर्जेंट में बना था और हम जनरल से आए थे और बहुत ज़्यादा परेशानी आने में, बाकी हम फिर भी बैठ कर आए, थोड़ी देर सोने को मिल गया था। अभी हम हैं रूम में, ओयो में, और यहाँ का आप रूम देख सकते हो भाई। तो भाई ये है यहाँ का रूम जिसमें हमें मिल जाती है एक टीवी और एसी प्लस एक बेड। हमारे भाई भी है साथ में दोनों, अर्चिक और यश। और यहाँ पर अपने को कुछ कवर मिल जाता है जिसमें अपन अपना सामान रख सकते हैं, एक अलमारी मिल जाती है, पार्टी में कपड़े रख सकते हैं जैसे कि हमने अभी कैसे बिखेर पकड़ के रख सकते रखे हैं, और हमें दो टॉवल्स मिल गए थे और सॉप वगैरह भी मिल गया था। सो भाई लाइट चालू करना पड़ेगा, हीटर वगैरह भी है। ये अपना वॉशरूम, और भाई हमने कुछ इसके हालात ऐसी कर दिए, बाकी ठीक है पहले से नहीं था। ये हमारा वॉशरूम जिसमें हमें एक मिरर मिल जाता है। सो भाई तो भाई लोग तो अपना पुणे का सफ़र कुछ ऐसे रहा और हम जाने वाले थे कहीं और हम पहुंच गए हैं कहीं और। मतलब कहने का मतलब है अभी हम फिलहाल घूमने के आए, अभी हमने जो हमारा मकसद है वो अभी हम जा रहे हैं। तो भाई हम चलते फटाफट, और अब मैं बताता हूँ आपको हम कहाँ जाने वाले, अब वहाँ पर ही जाकर मिलते। तो यहाँ की रूम की बहुत ज़्यादा अच्छा रहा और रूम पड़ा हमें कम से कम, है ना, मैंने रूम यहाँ पर 12:30 बजे करीब लिया है और अब हम कल इसको छोड़ेंगे 3 या 2 बजे तक। उसके हमें पे करना पड़ेगा, हम 3 लोग हैं तो 1800 रुपये, 1800। तो भाई
तो मज़ा तो आ रहा है। 2 मिनट तो भाई, तो हमने इस होटल में, इस रूम में हमें 1800 रुपये में क्या क्या मिला, ये हमारे कुछ मित्र लोग बताएंगे आपको, तो भाई बताओ जरा। तो गाइस, हमको 1800 रुपये में होटल में हमको मिले 3 साबुन और 2 टॉवल। साबुन भी बहुत महंगे हैं, साबुन भी बहुत इसका ज्यादा प्राइस है। आप देख सकते हो, मात्र तीन साबुन रुपए है ओ गॉड, ये सुनने से पहले मैं फेरा क्यों नहीं हो गया। भाई ये कुछ सीन ऐसा रहता है, राइट? मुझे कुछ चोरी लगा बाबा इलायची को देखकर। और यह है इसमें कॉकरोच, देखो भाई कॉकरोच देखने को मिल जाता है हमें, बाकी ठीक है। और हमारी वॉशरूम हीटर ये बंद कर देना चाहिए हमें, सेव एनर्जी सेव लाइफ। और एक और फंक्शन बताया कि नहीं हमने? अरे टीवी कितने चैनल है इसके अंदर? एसी वाला फंक्शन बताया कि नहीं हमने? हाँ एसी भी है ना भाई। तो गाइस, हमको एसी भी मिल जाती है अगर आप। अभी हम आए थे यहाँ पर और मैं गर्मी में रहने आए हो तो। अभी हम यहाँ पर आए और मैं लग रही है गर्मी, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने हाफ शर्ट पहन रखा है जिससे मुझे लग रही है गर्मी, इतनी गर्मी लग रही है गाइस कि मैं बता नहीं सकता। तो मैंने हाफ शर्ट पहन लिया है और हमारे भाई ने एसी चालू करा है, एसी हमें ऑन करने की जरूरत पड़ गई, जबकि हम दिसंबर की 31 तारीख को आए हैं यहाँ पर और इतनी हमें गर्मी लग रही है। तो भाई थोड़ा सा महाराष्ट्र का मुझे लगता है थोड़ा एटमोसफेयर इंदौर के मुकाबले थोड़ा गर्म ज़्यादा है, ऐसा तो इंदौर में ठंड लग रही होगी इस समय। मैं इंदौर में जर्किन के बगैर घर से बाहर नहीं निकलता हूँ। तो भाई हमारी कुछ शूज़ वगैरह ये जो यहीं पर उतार लिए, ऐसा कुछ सीन था तो इसके अंदर शूज़ रखने का सीन दिखा नहीं मुझे। तो भाई ये है अपना कुछ सीन, जो कि अपन ने लिया है रूम, यहाँ से सलंग रूम होने जो कि बढ़िया है, यहाँ से लेकर वहाँ तक रूम है। गोविंदा बोल रही हो गई? अरे गोविंदा बोल रही हो गई? कि छोटू बोल रही हो? छोटू बोल रही हो कि दीनानाथ बोल रही हो? कहीं करी रहे छोड़ा? Been closer, no exposure. I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks. I've had enough. I don't wanna feel the stuck under the rug. All my problems that I shove. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature. भाई हम निकले थे इंदौर टू पुणे, और पुणे पर हम आए यहाँ पर भीमा कोरेगांव। तो अभी हम वहाँ पर जाकर देखते हैं वहाँ का माहौल कैसा होता है। तो भाई लोग हम आ गए थे भीमा कोरेगांव। भाई ऐसे जाना पड़ेगा ना, इधर से जैसे चलो चला। हेलो, तो भाई लोग हम आ चुके हैं भीमा कोरे गाँव जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। हमारे साथ मेरा भाई यश है, जो कि हम मेन मिशन यही था हमारा यहाँ पर आने का, हमें भीमा कोरे गाँव में जो स्तंभ है तो हमें देखना था एक बार अपनी आंखों से। हमारा भाई पीछे रह गया है, पीछे हमारा भाई परसिक, क्योंकि लाइट के अंदर लाइट के अंधेरे में चाय पी है जिससे एनर्जी आई है भाई को। तो अभी हम आ गए भीमा कोरेगांव, तो चलिए चलते हैं।
2013 या 2011 में जो कि एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण सिक्योरिटी टाइट है, हर जगह कैमरे कैमरे लगे तो लोग चेक करते कैमरा दिखाना जरा गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अनुराग ताइड़े और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और क्या। तो भाई मैं आया हूँ यहाँ पर पुणे और अभी हम फिलहाल हमारे ये रूम में है, जैसा कि आप देख सकते हो ये रूम बड़ा ही अच्छा है, शानदार है। तो भाई अभी हम यहाँ पर आए और हम मतलब दोस्तों के साथ कुछ प्लान बन गया था घूमने के लिए, तो अभी यहाँ पर आया हूँ और हमने ये होटल बुक किया था। तो अब हम 3 बजे हमारी ट्रेन है, इंदौर के वापस हम जा रहे हैं और मेरा व्लॉग इसलिए लेट आ रहा है क्योंकि भाई मैं अभी थोड़ा ट्रैवलिंग कर रहा हूँ इधर उधर, तो हम बहुत जल्दी ट्रैवलिंग व्लॉग भी बनाने वाले हैं। तो भाई कुछ ऐसा सीन है, देख लो चल चल मैं ला के आगो आना के आगो नहीं आ रहा रे क्या डाल क्या मम्मी ने सुन क्या हो गया कहां गया रूट क्या हो गया तो गाइस अभी हम इंदौर पहुंच चुके हैं और हमारा सफर बहुत ज्यादा मजेदार रहा। सच कहूं तो रियलिटी कुछ और है, लेकिन ठीक है, जनरल के डब्बे में कभी सफर नहीं करने का। और जैसे कि आज का जो एक्सपीरियंस मिला है, आज सारी टांगे ठंड से अकड़ गई थी जाते वक्त। अगर 31 के दिन हम निकले थे, 30 तारीख को हम निकले थे और जब हम यहाँ पर आए आज 2 तारीख को बैठे थे 2 तारीख को पहुँचे हम यहाँ। तो भाई ठंड इतनी खतरनाक थी कि लोअर में तो भाई टांग पूरी अकड़ गई है। तो मतलब अगर आप अभी 31 को प्लान बना कर निकलते हो तो भाई मतलब जो ठंड वगैरह उसकी सेफ्टी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब लोअर टी शर्ट से काम नहीं चलेगा, जीन्स तो पहनना ही पड़ेगी, बहुत खतरनाक ठंड थी यार। अभी थोड़ा धूप लग रहा है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो मैं दिख भी रहा हूँ कि नहीं।